मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के 17 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों 2020 का ये साल अजय देवगन सर के फैंस के लिए काफी अच्छा रहा। उनके फेवरेट सुपरस्टार की पहले ही फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बता रहे दोस्तों आपको कि तानाजी द अनसंग वॉरियर, जो कि भारत भूमि में जन्मे वीर योद्धा तानाजी मालूसरे की वीरता की कहानी पर बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन सर तानाजी मालूसरे की भूमिका में नजर आए हैं। वहीं उनका साथ दिया है सैफ अली खान, शरद केलकर और काजोल ने। ओम रावत के डायरेक्शन में बनने वाली इस हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म में आपको काफी शानदार कहानी और काफी अच्छे एक्शन सीन्स देखने को मिले हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से तो काफी शानदार रिव्यूज मिले, साथ ही में इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छी बताया और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से इंडियन बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 3,880 स्क्रीन्स पर हिंदी और मराठी में लगने के बाद सुपरस्टार अजय देवगन की इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 15,10,00,000 रुपए की कमाई की, जो कि दीपिका पादुकोण की फिल्म से क्लैश होने के बाद का कलेक्शन था। वहीं दोस्तों बाद में इस फिल्म के कलेक्शन में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली और शुरुआती 3 दिनों में इस फिल्म ने लगभग 62,00,00,000 रुपए कमाए और अपना पहला हफ्ता खत्म होते होते ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 118,91,00,000 रुपए कमा चुकी थी। इसी के साथ ये फिल्म अजय देवगन के करियर की पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। बाद में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी शानदार होल्ड देखने को मिला और अपने सेकंड वीक में ये फिल्म लगभग 78,54,00,000 रुपए कमाने में सफल रही। दोस्तों बता दें आपको कि अजय देवगन की इस फिल्म को महाराष्ट्र से काफी शानदार सपोर्ट मिल रहा है, जहां पर दोस्तों ये फिल्म अभी तक लगभग 140,00,00,000 से ज्यादा की कमाई करके दंगल, बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों को पीछे कर चुकी है। साथ ही में दोस्तों इस फिल्म ने नॉर्थ इंडिया में भी काफी अच्छी कमाई की और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म के जो 2 हफ्तों के टोटल कलेक्शंस थे वो रहे थे लगभग 197,00,00,000 रुपए के। बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के थर्ड वीक की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने अपने 15वें दिन कई सारी नई फिल्में रिलीज होने के बाद, यानी कि स्ट्रीट डांसर और पंगा के रिलीज होने के बाद भी काफी शानदार कमाई की और कमाई 5,38,00,000 रुपए, जो कि इंडियन हिस्ट्री में तीसरे शुक्रवार में 8वां सबसे बड़ा कलेक्शन था। वही दोस्तों इस फिल्म के जो 16वें दिन के कलेक्शंस आए वो सभी को हैरान कर देने वाले रहे और दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दंगल से भी ज्यादा कमाई करते हुए इस फिल्म ने अपने तीसरे शनिवार को लगभग 10,00,00,000 रुपए कमाए। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका था लगभग 212,00,00,000 रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने 16 दिनों में 280,00,00,000 के आंकड़े को पार कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि 17वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों बता दें आपको कि आज भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो रही है लगभग 3.5 करोड़ रुपए की। वहीं दोस्तों मॉर्निंग में इस फिल्म को आज काफी शानदार ऑक्यूपेंसी देखने को मिली और यही वजह है दोस्तों कि आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 35-40% की ऑक्यूपेंसी पर ऑल ओवर इंडिया में ओपन हुई है। दोस्तों इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों इवनिंग में भी इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 26 जनवरी होने की वजह से ये फिल्म आज अपने 17वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 17-18 करोड़ रुपए कमा रही है और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म बाहुबली 2 के भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी होगी। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म का 17 दिनों का टोटल कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा 230 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होगी और इन्हीं 17 दिनों में दोस्तों ये फिल्म शाहरुख खान के करियर की सभी फिल्मों को, सलमान खान की बड़ी फिल्मों में कीक, रतन धन पायो और कई सारी और फिल्मों को पीछे करते हुए इंडियन हिस्ट्री की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि जिस तरह का ये फिल्म ट्रेंड कर रही है, जल्द ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर देगी और 2020 की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म का लाइफ टाइम क्या होगा, 350 करोड़ का, 450 करोड़ का या फिर 500 करोड़ का? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।